दोस्तों ये है अलवर जयपुर हाईवे जो कि सरिस्का में है और यहाँ से ये रास्ता जाता है पांडुपोल को। सामने लिखा हुआ है टाइगर सरिस्का रिजर्व जो क्षेत्र है, ये इसके अंदर 14 टाइगर हैं और ये है रास्ता जाएगा 22 किलोमीटर आगे है पांडुपोल। 22 किलोमीटर जंगल में चलने के बाद आएगा पांडुपोल और ये रास्ते से हम आप पांडुपोल जाएंगे। आगे मेन गेट आएगा जहाँ से एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलने के बाद में 22 किलोमीटर आगे पांडुपोल। तो इस वक्त हैं हम पांडुपोल के जंगल में जहाँ पर आप देख रहे हो कितना विशाल जंगल है ये। चारों तरफ अगर आप जंगल देखोगे, हाँ, तो ये जंगल आप देख रहे हो कितने खतरनाक जंगल है जिस जंगल में इस वक्त हम है। ये है पांडुपोल का जंगल, जैसा कि हमने रोड पर आपको दिखाया था अलवर जयपुर रोड से अंदर जाते हैं तो 21 किलोमीटर दूर पांडुपोल आता है। अब इस 21 किलोमीटर के एरिया में सारा का सारा जंगल है जो कि खतरनाक माना जाता है और इसके अंदर 14 शेर हैं दोस्तों, 14 टाइगर। तो ये पूरा का पूरा एरिया टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आप देख रहे हो पेड़ इतने ज़बरदस्त हैं। लेकिन आज मंगलवार होने की वजह से जो पांडुपोल भगवान हनुमान जी का जो अंदर मंदिर है पहाड़ों के ऊपर, उधर सब प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं मंगलवार के दिन, इसलिए ये रास्ता खोल दिया जाता है। और अभी हमने टिकट कटवाई थी 45 रुपये की, यहाँ पर बाइक की टिकट है, अगर आप बाइक लेकर जाओगे तो 45 रुपये की टिकट मेन गेट पर लगती है। और आपको बताना चाहते हैं जो ये टिकट ओनली मंगलवार और शनिवार के दिन ही लगती है, यानी कि मंगलवार शनिवार के दिन ही आपको यहाँ से जाने की इजाज़त मिलेगी। बाकी और दिन अगर आप आने की सोचते हो तो नहीं, इस जंगल का नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही इस जंगल में आप प्रवेश कर सकते हो, वो भी टिकट प्रवेश जो इजाज़त लेकर, टिकट लेकर। और यहाँ पर मोर, जंगली सुअर और 14 टाइगर और अन्य सभी प्रकार के जानवर इस जंगल में हैं। इस जंगल के अंदर लकड़ी काटना भी मना है, इस वजह से आप देख रहे हो बहुत सारे सूखे पेड़ यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लकड़ियों को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये वन क्षेत्र है, वन विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें आप कोई भी हलचल नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप देख रहे हो जंगल ज़बरदस्त जंगल है और 21 किलोमीटर का जंगल चलेगा। ये थोड़ा सा व्यू हम आपको जंगल के बीच में से दे रहे हैं और इसमें 50 से अधिक नदियाँ आती हैं, छोटी छोटी 50 से अधिक नदियाँ इस जंगल में आएंगी और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो देश तो ये हमारी स्कूटी है, स्कूटी से हम व्लॉग बना रहे हैं आपके लिए पांडुपोल के जंगल का। इस 21 किलोमीटर बाद जब ये जंगल ख़त्म हो जाएगा तब पांडुपोल का मंदिर आएगा जिसमें भगवान श्री हनुमान की प्रतिमा है और वो लेटी हुई प्रतिमा है। दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में एक ऐसी प्रतिमा है जो लेटी हुई प्रतिमा है, वो सिर्फ अलवर के पांडुपोल के मंदिर में है। क्योंकि जो अलवर का पांडुपोल का मंदिर है यहाँ पर एक कथा भी एक बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो पांडवों ने पोल किया था इसलिए इस जगह को पांडुपोल कहते हैं। पहाड़ में एक गधा मारकर जो भीम थे, भीम ने एक गधा मारी थी पांडव पहाड़ में तो उसमें छेद हो गया था, पोल हो गया था, जिसको पांडुपोल कहते हैं। और वहाँ से नदी भी आती है दोस्तों, नीचे की तरफ बड़ी नदी आती है। और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं जब भीम ने गधा मारी थी पहाड़ में तो पोल हो गया था, पूरा पहाड़ छिद्र हो गया था। उसके बाद में भीम में घमंड बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी उनके रास्ते में लेट गए थे पूँछ को, अपनी पूँछ को फैलाकर। जब उन्होंने पूँछ हटाने की बोली, वो एक बूढ़े बंदर के रूप में लौटे थे, उन्होंने पांडवों से कहा कि आप हमारी पूँछ को हटा दें और रास्ता पार कर लें। तो पांडवों ने बारी बारी से पूँछ को हटाने की कोशिश की लेकिन लास्ट में जो भीम थे सबसे ताकतवर, उन्होंने उनके ऊपर घमंड का एक पहरा छाया हुआ था, ज़्यादा उनको अपनी शक्ति पर घमंड था, तो उनकी शक्ति का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने उनसे पूँछ हटाने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने अपने पूरे दम लगा लिए भीम जी ने, लेकिन उनकी पूँछ को नहीं हटा पाए। और फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी हनुमान जी से, हनुमान जी ने फिर अपना असली रूप में अवतार आकर उनको दर्शन दिए और भीम ने उनसे माफ़ी मांगी जो उनकी शक्ति पर उनको घमंड हो गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से वहाँ पर
वो लौटे हुए हनुमान जी यानी कि लेटे हुए थे वो धरती पर, तो उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर देखो नदियाँ हैं, रास्ता में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं और लोग जो जंगल में आप देख रहे हैं कार खड़ी करके सेल्फियाँ दे रहे हैं। इस खतरनाक जंगल की इसमें चूहे जो टाइगर भी हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हो रास्ता भी कितना ख़राब है, रास्ते की हालत बहुत खस्ता हालत है और चारों तरफ पहाड़ जंगल, विशाल जंगल दोस्तों, खतरनाक वाला जंगल जो आप वीडियो में देखते हो वो वाला जंगल है। और ये जंगल 21 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, 21 किलोमीटर तक ये जंगल है। इसमें और दिन इसीलिए एंट्री नहीं दी जाती कि और दिन यहाँ पर जंगली जीवों का खतरा बहुत ज़्यादा है। आज तो क्या है कि चहल पहल है, मंगलवार का दिन है इसलिए सब लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं और वो सभी मौसम अच्छा, सावन का महीना है, मौसम सुहाना है, बरसात का मौसम है। तो दोस्तों यहाँ पर मोर तो आपको काफ़ी संख्या में देखने को दिखाई देंगे। बाकी आप देख रहे हो जंगल, बड़ा ज़बरदस्त जंगल है चारों तरफ। आप देखोगे पीछे नज़र, जंगल इतना सुहाना जंगल है कि बस आप पूछो ही मत। चारों तरफ पहाड़, पहाड़ के बीच में ये रास्ता, रास्ता ही पक्का नहीं कच्चा रास्ता। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना था किया। दोस्तों जंगल इतना कि लोगों तक पहुँचे, देखो दोस्तों छोटी छोटी नदियाँ बीच में रास्ते में आती जा रही है और रास्ते में वहाँ पर जंगली सुअर के दर्शन होंगे। ये देखिए दोस्तों मोर, मोर के साथ में जंगली सुअर जो कि इसको काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है जंगली सुअर को भी, लेकिन ये खाने के चक्कर में रोड पर आ जाते हैं। शनिवार के दिन छोड़कर अगर आप कभी भी आना चाहोगे इस जंगल में तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि और दिन यहाँ पर रास्ते पे शेर आने का डर रहता है, इस वजह से यहाँ पर आम लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। तो दोस्तों देखिए जंगल का नज़ारा देखिए आप, बड़ा गजब जंगल है, पेड़ इतने भयंकर है अगर आदमी चला जाए तो दिखे नहीं थोड़ी दूरी पर ही। और मोर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, देखोगे मोर ही मोर है रास्ते में, बहुत ज़्यादा तादाद है मोरों की इस जंगल में, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और ये देखो हिरन आपको दिख रहा होगा, हिरन ये भी पानी की तलाश में रास्ते पर आ गया है। और ये टाइगर की प्रतिमा लगाई हुई है कि यहाँ पर टाइगर आ सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों लंगूर, देखो ये लंगूर यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं पेड़ों पर। दोस्तों यहाँ पर आपको जानवर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे और अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि शेर, शेर भी देखने को मिल जाए आपको यहाँ पर, उसकी भी कोशिश करेंगे कैप्चर करने की कैमरे में। थोड़ी आगे जाएंगे तो यहाँ पर लंगूरों की तादाद और भी ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों हिरन, अब आपको हिरन देखने को मिलेगी, हिरन आपको, हिरन और लंगूर, जंगली सूर यहाँ पर बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जंगली जानवर है। ये देखिए दोस्तों आपको हिरन दिखाते हैं, ये आपको कैप्चर करते हैं हिरन। यहाँ पर दो हिरन है, लंगूर है, जो लंगूरों की तो बहुत ज़्यादा तादाद में संख्या है, पेड़ों पर मस्ती कर रहे हैं लंगूर। ये देखिए रोड किनारे किनारे दे रहे हैं, यह पर जंगली जानवर है साइड। जंगल में मोर बहुत ज़्यादा हैं जैसा कि आप देख रहे हो, जंगली जानवर तो यहाँ पर खूब हैं। वो देखो हिरन, आगे भी आपको हिरन दिखाई देंगे थोड़ा सा। ये देखो इस साइड में हिरन दिखाते हैं आपको, इस साइड काफ़ी संख्या में हिरन है। अंदर जंगल में है आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे जब जाके हिरन आपको दिखाई देंगे। तो सुहाना मौसम है।